यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बनने और शुरू करने के बाद हर एक जगह छाया हुआ है। हर जगह सिर्फ इसी बात की चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री योगी ने देश की सुरक्षा में एक और बड़ा कदम उठा दिया। लेकिन यही योगी आदित्यनाथ की एक ऐसी फोटो हम सभी के सामने आई है जिसने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है। हंगामा इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ इसी हाईवे पर पैदल चलते हुए नजर आए हैं और वो भी बिना किसी सिक्योरिटी के। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ बिना किसी सुरक्षा के एक्सप्रेसवे पर नजर आए हैं। साथ ही जहाँ वो एक तरफ एक्सप्रेसवे पर चल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ उनके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम सभी को कार में पूरी सुरक्षा के साथ जाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी ही नहीं है, असल में मामला ये है कि लोग योगी को इस तरह बिना सिक्योरिटी के हाईवे पर घूमता हुआ देखकर काफी कुछ कह रहे हैं, क्योंकि देश का कोई भी मुख्यमंत्री इस तरीके से बीच रोड पर बिना सिक्योरिटी के नहीं घूम सकता। तब तो नहीं जब देश का प्रधानमंत्री भी उसी जगह हो। साथ ही में जब मोदी पूरी सिक्योरिटी के साथ कार में चलते हुए नजर आ रहे हैं तो योगी ऐसे बिना किसी सिक्योरिटी के क्यों चल रहे हैं? क्या ये उनका पब्लिसिटी स्टंट था या वो किसी तरह के फोटोशूट के लिए ये सब कर रहे थे? आपके हिसाब से योगी ने ये सब क्यों किया? ऐसे बिना सिक्योरिटी के चलने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरीके की हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाना भूलें तो हमारे हर लेटेस्ट अपडेट आपसे छूटे।